हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें सेकंड फैक्टर को डिस्कस करना है जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों प्लांट्स और एनिमल्स में इतनी वेरिएशंस दिखाई देती हैं। तो फिर चलिए क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्लाइमेट के केस में हम हमेशा टेम्परेचर, फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट और प्रेसिपिटेशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन को डिफरेंट टाइप से अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट के केस में आपको तीन पॉइंट्स को याद रखना है, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। शुरू करेंगे टेम्परेचर से। फ्रेंड्स, एक रीजन के टेम्परेचर में अगर बदलाव आता है तो उस रीजन की ह्यूमिडिटी में भी बदलाव आता है। ह्यूमिडिटी में चेंज आने से उस रीजन की वेजिटेशन की ग्रोथ में बदलाव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो वेजिटेशन में भी बदलाव आएगा। यही कारण है कि जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तब टेम्परेचर के बदलने से वेजिटेशन भी बदलता रहता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो दोस्तों, हिमालयाज में टेम्परेचर जनरली ठंडा रहता है, कम होता है, इसीलिए वहाँ पे ऐसे ट्रीज होते हैं जो खुद को कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि पाइन ट्रीज। इसके बाद हम लोग सेकेंड एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि फोटो पीरियड, जिसका मतलब होता है सनलाइट। आप इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। अगर मैं प्लांट स्पीशीज की बात करूं, दोस्तों प्लांट्स तो सनलाइट के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जानते हैं, एक रीजन में अगर सनलाइट की ड्यूरेशन में चेंज आता है तो उससे उस रीजन की वेजिटेशन की ग्रोथ में भी बदलाव आता है। सनलाइट की ड्यूरेशन में अगर बदलाव आ रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड या फिर सीजन। लेकिन हमें इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि सनलाइट की ड्यूरेशन का भी फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी पर काफी असर पड़ता है। इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। पिछले चैप्टर से हमें ये तो क्लियर हो गया है कि इंडिया में हिमालयस के केस में प्रेसिपिटेशन होती है स्नो की फॉर्म में, और लैंड पर हो जाती है बारिश की फॉर्म में। अगर मैं मानसून की बात करूँ तो मानसून आता है अर्ली जून से सितंबर तक। मानसून मेजरली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के कारण आता है, लेकिन कुछ बारिश रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स के कारण भी होती है। चलिए एक काम करते हैं, प्रेसिपिटेशन के इस कॉन्सेप्ट को नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। जानते हैं दोस्तों, जिस रीजन में खूब तेज बारिश होती है वहां पर डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, और डेंस वेजिटेशन से मेरे दिमाग में तो फॉरेस्ट आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि फॉरेस्ट हम सबके लिए कैसे यूजफुल है? आखिर फॉरेस्ट के होने का हमें क्या फायदा है? आप सोचिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में फॉरेस्ट के कुछ फायदे बता देती हूँ। दोस्तों, फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, विंड फोर्स को कंट्रोल करता है, और साथ ही वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको कुछ ही फायदे बताए हैं, वरना अगर मैं सच बताऊं तो फॉरेस्ट के तो अनलिमिटेड यूज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और हैरानी की बात तो ये है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन में काफी बदलाव आया है, और इसका कहीं ना कहीं रीजन हम लोग हैं। कंफ्यूज्ड? चलिए मैं प्रूव कर देती हूँ। हमने कल्टिवेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रीज को डिवेलप करने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप ये तो मानते होंगे कि हमने जितने ट्रीज को काटा है उतने ट्रीज को प्लांट नहीं किया है। ये गलत बात है, और इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन पर काफी अफेक्ट भी आया है। आज हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन प्रेजेंट है वो 100% नेचुरल है, रियल है, हम ये नहीं कह सकते। बल्कि सिर्फ कुछ ही एरियाज हैं जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन 100% नेचुरल है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में मरुस्थली पर या फिर सेंट्रल इंडिया के हिली रीजन्स पर। इसी के साथ फ्रेंड्स,
हमने ये स्टडी कर लिया है कि आखिर क्लाइमेट से हमें कैसे पता चल सकता है कि फ्लोरा और फौना की इतनी सारी वेरिएशंस क्यों होती हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो फिर चलिए, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कर सकते हैं, इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब PuStack चैनल की ऐप भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और PuStack की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।